ये तस्वीरें हैं टीकरी बॉर्डर की, जहां बैरिकेड्स के एक तरफ तीन कृषि कानूनों के विरुद्ध में आंदोलन कर रहे हैं किसान, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस और आरपीएफ फोर्स के जवान तैनात हैं। गणतंत्र दिवस से पहले की तरह शुक्रवार सुबह किसानों ने अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और तीनों कानून वापस लेने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने कहा कि जो किसान वापस लौट रहे हैं वो सिर्फ ट्रैक्टर यात्रा के लिए आए थे, बाकी किसान पहले की तरह बॉर्डर पर डटे हैं। देखो वहाँ डकैत जी बैठे हैं, वो रात उसने उनको गिरफ्तार करने को कहा था। डकैत ने क्या किया हमको, हाँ डकैत जी ने बोला कि हमको गोली मार दो, हम जहाँ से उठेंगे नहीं। हरियाणा के यूपी के सारे किसान भाई रातों रात ट्रालियाँ भर के हैं, पुलिस को वहाँ से भागना पड़ा है, जो कि बॉर्डर खाली कराने की बात कर रही थी ना पुलिस, किसानों को खदेड़ने की बात कर रही थी, खुद पुलिस को भागना पड़ा वहां से। किसान सारे यूपी हरियाणा के सामने पुलिस की डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है, तो आप लोगों को डराने की कोशिश हो रही है? अरे लोग सोच रहे हैं कि जो हमारे भाई हैं, जो प्रदर्शन जो लोग हैं, हम भी फौजी हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमें कुछ नहीं बोलेंगे। चलो इनको ड्यूटी करनी पड़ती है, वो दूसरी बात है, ये कुछ नहीं बोले, हमारे भाई हैं, वो हमारे बेटे हैं। ये जो सरकार ने प्री प्लानिंग काम किया था उसमें सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। किसानों का इक्का बहुत है, और पटियाला से जो सिंघू बॉर्डर के बारे में बोल रहे हैं, वहाँ से 100-100 ट्राली भर के एक जिले से दोबारा वापिस आ रही हैं। जो परेड के लिए ट्रैक्टर आए थे उन्होंने तो वापिस जाना था, ये तो हमारा प्लान था कि वो परेड के लिए आएंगे, इतने ट्रैक्टर इधर रुक जाएंगे तो हम लोग कहाँ ठहरेंगे, कहाँ सोएंगे, कोई एमरजेंसी गाड़ी निकालनी हो, एम्बुलेंस निकालनी हो, उसका रास्ता भी हमने क्लियर करके रखा है ना। जितने पुराने बंदे थे वो यही हैं। सरकार की ये गलतफहमी है कि किसान वापिस चले गए, ये ऐसी कोई बात नहीं है, किसान यही है, और जो हरियाणा और पंजाब का भाईचारा वो वैसे ही बरकरार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सरकार अब बखलाई हुई है, गोदी मीडिया अफवाह फैला रहा है, जितनी फैला रहा है, जितनी बकवासबाजी कर रहा है, गोदी मीडिया कर रहा है। बता दें कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने लाल किले में घुसकर हिंसा की थी, जिसके बाद किसान आंदोलन धीमा पड़ गया था। प्रदेश में कई जगहों पर तो धरना कर रहे किसानों को हटने के लिए पुलिस प्रशासन ने आदेश दिए हैं, लेकिन टीकरी बॉर्डर पर किसान पहले की तरह डटे रहने का दावा कर रहे हैं। टीकरी बॉर्डर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी।